वीडियो में हम बात करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंस निफ्टी तीनों ही इंडेक्स की हम बात करेंगे और ये बताएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। जैसे कि अभी देखने में आ रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी तीनों इंडेक्स अपनी अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में निफ्टी बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे एंजन एप्लीकेशन पे आ चुके हैं। एंजन एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी दो इंडेक्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ से कोई भी तीसरा इंडेक्स को आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक ड्रॉपडाउन की लिस्ट भी देखने को मिलती है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना तीसरा इंडेक्स जैसे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी इसको ऐड कर सकते हैं। जिससे मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को इंडेक्स को ऐड कर लेता हूँ, फाइनेंस निफ्टी को अनचेक करके सेव बटन पर क्लिक करता हूँ। आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी के दो इंडेक्स लग चुके हैं। अब आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंस निफ्टी तीनों इंडेक्स जो है ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में हम निफ्टी के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे निफ्टी के अंदर जो कंपनी है उनकी लिस्ट ओपन हो जाती है। नीचे चार्ट और एक ऑप्शन चेन देखने को मिलेंगी। हम यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे निफ्टी का जो टेक्निकल चार्ट है ये लग जाता है। अब आपको देखने को मिलेगा कि टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी में, तो इसका जो ऑल टाइम हाई अभी बना हुआ है ये 19,500 का बनता है। तो जो 19,500 का जो एरिया है ये साइकोलॉजिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। और आज की हम बात करते हैं तो निफ्टी ने 19,500 के नीचे क्लोजिंग दी है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी इंडेक्स 19,500 के नीचे सस्टेन करता है, इस कंडीशन में हमें निफ्टी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। और पहला सपोर्ट जो हमें निफ्टी इंडेक्स ले सकता है ये हमें देखने को मिल सकता है 19,475 से लेके 19,350 का हमें पहला सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और अगर मान लो कि ये लेवल 19,350 के नीचे निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है तो हमें फिर निफ्टी के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और उसके बाद निफ्टी जो है ये 19,200 से लेकर 19,100 और 19,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ तक के स्लिप हो सकता है। और अगर 19,000 का भी सपोर्ट ब्रेक करता है तो 18,800 तक के निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर हम अपसाइड की बात करते हैं तो निफ्टी इंडेक्स अगर 19,500 के लेवल को सस्टेन कर लेता है, होल्ड करता है, तो फिर ऊपर जो हमें 19,600 19,700 से लेकर 20,000 के हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आने वाले समय के लिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपने देखे कि ये रह सकते हैं, क्योंकि ऊपर साइड में अगर हम बात करें तो ऊपर में 20,000 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल सकता है। वहीं पे हम एमएसडी इंडिकेटर की बात करते हैं तो एमएसडी इंडिकेटर ने भी यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड बनाया हुआ है। इसके चलते हुए हमें यहाँ से एक अपसाइड की रैली भी देखने को मिल सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो रहेगा यहाँ पे 19,500 का। अब इसके साथ ही अगर हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसके बैक बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे बैंक निफ्टी आ जाता है। बैंक निफ्टी के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर जो कंपनीज है उनकी लिस्ट आती है। नीचे चार्ट का बटन देखने को मिलेगा। हम चार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी ने आज एक संतुलित कारोबार किया है। और अगर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन को लगाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं एक सपोर्ट लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो एक सपोर्ट लाइन जो इसमें निकल के आती है ये आती है 45,000 की। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स 45,000 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो ऊपर साइड में बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है कि 45,500 से लेके 45,600 और 46,000 तक के हमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर की ओर दिखा सकता है। अगर हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में अगर मान लो कि गिरावट आती है और 45,000 का जो सपोर्ट है ये सपोर्ट ब्रेक होता है, इस कंडीशन में बैंक निफ्टी में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और नीचे हमें 44,800 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर 44,500 का अगला सपोर्ट हमें आते हुए नजर आएगा। ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद बैंक निफ्टी में 44,200 तक के हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके साथ ही एमएसडी इंडिकेटर में भी यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा है। इसको देखते हुए 45,000 का एक सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऊपर की ओर बात करें तो आपको ऊपर की ओर 45,500 से लेके 45,700 और 46,000 के लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए। नीचे के लिए 45,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देखना चाहिए। ये लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स स्लिप होता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी में बिकवाली हावी होते हुए नजर आ सकती है। अब हम यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी की बात कर रहे हैं। फाइनेंस निफ्टी का डेटा लगाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी पे क्लिक करते हैं, इसको सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी की बात करूँ तो फाइनेंस निफ्टी भी अभी अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो आपको फाइनेंस निफ्टी का चार्ट देखने को मिलेगा। फाइनेंस निफ्टी के चार्ट में हमें एक नेगेटिव ट्रेंड साइन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसने एक जो ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न है इसको इन्फॉर्म किया है। अगर मान लो कि इस पैटर्न के नीचे जो आपको देखने को मिल रहा है ये कैंडल जो आपको रेड कलर की कैंडल देखने को मिलेंगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है। इसका हाई पॉइंट जो है जो आपको 20,400 का देखने को मिल सकता है। ये लेवल के ऊपर अगर मान लो कि फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है तो वह 20,500 से लेकर हमें
20,600 टू 20,700 तक के अपसाइड के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इस लेवल के नीचे अगर फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स स्लिप होता है, इसके कैंडल के नीचे अगर फाइनेंस निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है, मतलब कि 20,200 के नीचे अगर फाइनेंस निफ्टी ने सस्टेन करना चालू किया, इस कंडीशन में हमें 20,000 तक का हमें डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 20,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर फाइनेंस निफ्टी में हमें 19,800 से लेकर 19,700 तक का हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, आगे भी आप इन लेवल के ऊपर नजर रख सकते हैं। जैसे कि एमएसीडी इंडिकेटर में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा अपसाइड की ग्रोथ देखने को मिली। अब यहाँ पे हमें जो स्टेबिलिटी है ये एक स्थिर होते हुए नजर आ रही है। इस कंडीशन में अगर हमें लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी या फाइनेंस निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चेन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा मिल जाता है। अगर लगता है कि निफ्टी फाइनेंस निफ्टी या बैंक निफ्टी में तेजी आएंगी तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन का एक डेटा देखने को मिलेगा। इस कॉल ऑप्शन के डेटा को आप बाय करना है बाय साइड के लिए, जब आपका व्यू तेजी का हो। अगर आपका व्यू निगेटिव है तो आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन के साथ जाना है, आपको सेलिंग साइड में बैठना है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मार्केट में तेजी आती है तो तेजी के लिए आपको सबसे पहले तो आपको एट द मनी कॉल ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि फाइनेंस निफ्टी अभी 20,200 पे ट्रेड कर रहा है तो हम यहाँ पे 20,200 के लेवल के आसपास आते हैं। इस कंडीशन में तेजी के लिए अगर काम करना है तो 20,000 के लेवल को आप ले सकते हैं, 20,200 का लेवल या 20,300 तक के हम यहाँ पे लेवल को ले सकते हैं। जो आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग है उन लेवल को हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर हमें लगता है कि फाइनेंस निफ्टी में गिरावट आ सकती है, गिरावट के लिए हमें यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए जाना होता है। और लगता है कि फाइनेंस निफ्टी में जो गिरावट आएंगी 20,000 के लेवल या इसके नीचे 19,800 तक के फाइनेंस निफ्टी स्लिप हो सकता है या बैंक निफ्टी में इसी प्रकार से गिरावट देखने को मिल सकती है। इस कंडीशन में हम पुट ऑप्शन के साथ जाएंगे और इसमें 20,200 का पुट ऑप्शन 20,300 से लेकर 20,400 या 20,500 का जो आपके बजट में है उस ऑप्शन को आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कि अगर आपको बाइंग करना है तो बाइंग करने के लिए मैं यहाँ पे एक 20,200 का कॉल जो 150 पे, इसको मैं क्लिक करूँगा, बाय ऑप्शन पे प्लेस करता हूँ। नंबर ऑफ लॉट मेंशन करता हूँ, जैसे कि मैं एक लॉट मेंशन करूँगा, एक लॉट में फाइनेंस निफ्टी की जो क्वांटिटी आती है 40 क्वांटिटी आती है। करंट प्रीमियम के साथ जो मार्जिन है 6,000 का वो नीचे देखने को मिलता है। बाय ऑप्शन पे प्लेस करना है, कंफर्म ऑर्डर पे प्लेस करना है और हमारा ऑर्डर यहाँ पे दोस्तों लग जाता है। जैसे हमारा ऑर्डर यहाँ पे पुट होता है, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो अगले दिन हमारी पोजीशन जो है ये हमें पोजीशन में देखने को मिलेंगी। तो इतना इजी इतना आसान हो जाता है दोस्तों एंजल वन एप्लीकेशन को यूज़ करना, यहाँ पे काम करना। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन नहीं किया है तो बेस्ट ऑफर के साथ मैंने फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक को डिस्क्रिप्शन में लगा के रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आज अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन कर रहे और यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।